घर के बगान में ही दो चेयर लगे हुए थे, एक में कृष्णा और दूसरे में सुभाष बैठे हुए थे। दोनों चेयर पर बैठे बैठे कृष्णा की बेटी अनामिका के गुस्से के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आपको क्या बताओ, आपकी बेटी के गुस्से के बारे में सिर्फ इस गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के गांव वालों को भी पता चल गया है। जैसे ही आपकी बेटी का नाम लेता हूँ अनामिका, वैसे कहते हैं अरे वही गुस्से वाली अनामिका। नहीं नहीं, हम सब हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं बस। अब मैं क्या कहूँ पंडित जी, कहता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। अनामिका को बचपन से ही गुस्सा आता है, अब तो 25 साल की हो गई, बहुत डॉक्टर भी दिखाया, पूजा पाठ कराया है, आप तो सब जानते हैं। जान के भी क्या फायदा कृष्णा जी, कह भी दूं तो कोई मानने को तैयार नहीं। अब अनामिका के गुस्से के बारे में सबको पता चल गया है, इसीलिए कोई शादी के लिए आगे आ ही नहीं रहा है, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुभाष पंडित वहाँ से चले जाते हैं। तब तक बसंती गर्मा गर्म चाय उन दोनों के लिए लेकर वहाँ आती है। सुभाष पंडित ना दिखने की वजह से उनके बारे में वो पूछने लगी। वो अभी अभी निकले, पर चाय लाने से पहले एक बार पूछना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो हम दो कप चाय पिला देंगे। वैसे बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला? नहीं बसंती, कह रहे थे बेटी के गुस्से के बारे में लोगों को पता है, इसलिए उसे शादी करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, और कहकर चले गए। उनके ऐसे कहने पे बसंती बिना कुछ कहे वहाँ से अंदर चली जाती है। उनकी गुस्सेल बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही है, इस बात से दोनों ही बड़े परेशान थे, वो दोनों ही बड़े चिंतित थे। अनामिका को उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो गांव के ही एक मंदिर में जाती है। वहाँ घंटी बजा के देवी को प्रणाम करती है। माँ, मैं अपना गुस्सा कम कर लूंगी, पर मेरी शादी ना होने की वजह से माँ पिताजी का ये दुख मुझसे आप देखा नहीं जाता। आप मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता दिलवा दीजिए, मैं जरूर से अपना गुस्सा कम करूंगी और ससुराल में अच्छे से जीवन बिताऊंगी। वो देवी माँ को प्रणाम करती है। तभी मंदिर के पुजारी सुभाष जी बाहर निकल आते हैं। तथास्तु बेटा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। ईश्वर से तुमने जो प्रार्थना की उस गुस्से पर तुम काबू करने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते जरूर आएंगे। उनकी बातें सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को काबू कर लिया और मनी मन कहने लगी, अगर मैं कह देती हूँ कि मैं अपना गुस्सा कम कर लूंगी तो रिश्ते आने लगेंगे, सिर्फ बकवास बातें करते हैं। इस तरह सोचती है और फिर घर आ जाती है। मैंने ईश्वर से कहा है कि मैं अपना गुस्सा कम कर लूंगी, बस वो मेरी शादी करवा दे। अनामिका की ये बात सुन के उसके माता पिता बड़े उत्सुकता से एक दूसरे को देखने लगते हैं। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पंडित जी ने खुद कहा है कि वो अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे। अनामिका की बातें सुन के माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं, सोचकर कि बेटी अब बदल रही है। दो हफ्ते बाद सुभाष पंडित ने दो बातें कही और वो दोनों ही झूठ थे। अनामिका के गुस्से के बारे में उन्होंने शारदा के परिवार को नहीं बताया और अनामिका के परिवार को शारदा के तेवर के बारे में नहीं बताया। अब अनामिका और रमेश की बड़े धूमधाम से शादी होती है। अनामिका अपने ससुराल में कदम रखती है। अब शारदा के घर में जैसे ही अनामिका ने कदम रखा, अब शारदा सास बनके अपना तेवर दिखाना शुरू कर दी। ए बहू, आके टीवी चला दो। शारदा के कहने पर अनामिका आके टीवी चला देती है। सुनो, ज्यादा मुझे आवाज पसंद नहीं, पहले खुद तुम सुन लो, उसके बाद मेरे लिए सही से लगा दो। उनकी बातों पे अनामिका ने अपने गुस्से को काबू किया और टीवी सुनने लगी। टीवी का साउंड बहुत ही कम था। जैसे ही टीवी पे ऐड आने लगे, अनामिका सासुमा के पास आती और पूरे सीन्स विवरण में बताती। शारदा भी सुन के हाँ कहने लगी। थोड़ी देर बाद बिजली ही चली गई। शारदा कमरे से बाहर आके लॉन में बैठ जाती है। उसके बाद अनामिका अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है। गुस्से के मारे वो टीवी के रिमोट को ही तोड़ देती है। ठीक उसी वक्त, क्या हुआ बहू? रिमोट हाथ से फिसल के नीचे गिर गया माँ। शाम को पिताजी लौटते वक्त ले आएंगे, तब तक तुम जाके न्यूज़पेपर ले आओ जरा। ऐसे कहने पे अनामिका का गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर न्यूज़पेपर लेकर लॉन में बैठी शारदा के पास जाती है। मेरे पास यहाँ पे बैठो और अखबार में क्या लिखा है उसे पढ़ के धीरे धीरे मुझे बताओ। शारदा के ऐसे कहने पर अनामिका का गुस्सा फिर से सर के ऊपर चढ़ जाता है। शारदा को मारने के लिए वो हाथ उठाती है शारदा के सर के ऊपर कि शारदा अनामिका को देख लेती है। जैसे तैसे अनामिका अपने गुस्से को शांत करती है और अपने हाथ को नीचे उतारती है। शारदा एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ा के बैठी हुई थी। देर क्यों कर रही हो, मेरे पैरों के पास बैठ के चलो अखबार पढ़ो। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसलिए अनामिका शारदा के पैर के पास बैठकर अखबार पढ़ने लगती है। शारदा भी सुनने लगती है। तब तक हॉल में फोन बज उठता है।
शारदा फोन उठाने हॉल में जाती है, फिर फोन उठा के वो बात करने लगती है। अनामिका जो बहुत ही गुस्से में थी वो कागज को लेकर हवा में फेंक देती है, इससे उसका गुस्सा थोड़ा काबू में आ जाता है। तब जाके खुशी खुशी अनामिका घर के अंदर आती है। तब तक शारदा का फोन पे बात करना खत्म हो चुका था। अनामिका से पूछने लगी कि वो अंदर क्यों आई। अरे बहू, अखबार कहाँ गई? अरे माँ जी, मुझे लगा था मेरे लिए फोन है, इसलिए अखबार छोड़ के मैं घर के अंदर आ गई। फिर जब वापस गई तो देखा हवा में सारे अखबार उड़ गए हैं। ऐसा कहकर खुशी खुशी वो घर के अंदर आ गई। ठीक है, चलो खाना लगा दो। ऐसा कह के डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठ गई सासू माँ शारदा। अनामिका मन में धैर्य रखते हुए सोचने लगती है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जितना धैर्य था उतना रख लिया। अगर अब सासू माँ ने कुछ कहा फिर तो आज सासू माँ को ही मेरा खेल संभालना होगा। ये सोचकर वो शारदा को खाना परोस देती है। शारदा खाने के दौरान सब्जी दाल चटनी को देखकर उसे डांटने लगी। ये क्या पकाया है, एक में भी स्वाद नहीं, दाल में नमक नहीं, सब्जी में मिर्च नहीं, चावल ठीक से पके नहीं, ऐसा कोई खाना पकाता है? जितनी तेजी से शारदा ये सब कह रही थी उतनी ही तेजी से अनामिका को गुस्सा आता है और गुस्से के मारे ग्लास को टेबल से उठा के वो जमीन पे फेंकती है। फिर जाके शारदा के नाक को वो दांतों से काट लेती है। तभी प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। अनामिका के दोनों हाथों को पकड़ के अलग अलग दिशाओं में खींचने लगते हैं। चूंकि दम लगा के वो खींचते हैं तो अनामिका सासू माँ के नाक को फिर से काट देती है, जिस वजह से शारदा जोर से चिल्लाने लगती है। फिर जैसे तैसे बाप बेटा अनामिका को खींच के ले जाते हैं। साधारण दिखने वाली शारदा अब बिना नाक वाली शारदा हो गई थी। शारदा को लेकर वो जल्दी से अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब शारदा की जांच करते हैं। कुछ दिनों के बाद बाप बेटा कोशिश करते हैं कि सास बहू में फिर से मेल हो जाए। इस तरह अनामिका अपने गुस्से को काबू ना कर पाने की वजह से गुस्से से सासू माँ के नाक को काट लिया और अनामिका का गुस्सा सबको पता भी चल गया। वैसे जैसे अनामिका अपनी सासू माँ शारदा पे गुस्सा करती है, वैसे किसी बात को लेकर आपको भी अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है? अगर ऐसा ही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। घर में शारदा बहुत खुश थी, मुस्कुरा रही थी। उसके दूर के रिश्तेदार राजेश और उसकी पत्नी सुशीला दोनों अपनी बेटी अमृता को शारदा की बहू बनाने के लिए बातचीत करने आए थे, इसीलिए शारदा मुस्कुरा रही थी। पर राजेश ने जब उस घर को घूम के देखा तो मन ही मन सोचने लगा, इतनी बड़ी संपत्ति देखने के बाद तो मैं इसे खो नहीं सकता। पहले मेरी बेटी को तुम्हारी बहू बनाऊंगा, फिर गर्दन पे पैर रख के पूरी संपत्ति ले लूंगा, फिर ये सब मेरी हो जाएगी। वो ऐसा सोच ही रहा था तभी वहाँ पे प्रसाद और रमेश आ जाते हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? अब तक तो ठीक ही हूँ, बाद की बात नहीं पता। इस उम्र में भी ना आप बड़े हंसमुख हैं। अरे दामाद जी, आप कैसे हो? मेरा नाम रमेश है अंकल, आप मुझे रमेश बुलाइए। ये सुनकर राजेश का चेहरा सिकुड़ जाता है। देखकर शारदा कहने लगती है, चाहे दामाद हो या रमेश हो, बात तो एक ही है ना, बेटा ही लगते हो तुम। रमेश की बातों से लग रहा है कि वो अमृता से शादी करना नहीं चाहता है। क्या बेटा, क्या तुम अंकल की बेटी अमृता से शादी करना नहीं चाहते? ऐसा कहते हुए वो रमेश के करीब आते हैं ताकि उनकी बात रमेश ही सुन सके। बेटा रमेश, यही सही वक्त है, कह दो तुम कि तुम अनामिका से शादी करके अलग परिवार शुरू करना चाहते हो, आइंदा तुम्हें इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। फिर थोड़ी दूर जाके, कहो बेटा कहो, दिल में जो है कह दो, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ ऐसा होने देगी क्या? तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाहती है, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। उनकी बातें सुनके रमेश को थोड़ी हिम्मत मिलती है। सारी बातें दिमाग में घूमने लगती है, वो सारी बातें जो उसने किया है। माँ, मैं अमृता से शादी करना नहीं चाहता हूँ, मैं पहले ही एक गरीब लड़की अनामिका से शादी कर चुका हूँ। ये बात सुनते ही शारदा, राजेश, सुशीला सब आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। उनका चेहरा देखकर प्रसाद की हंसी छूट जाती है। फिर वो सभी लोग खुद को संभालते हैं, बाहर निकल आते हैं। रमेश कहने लगता है, मुझे पता था माँ, मैं इस बारे में कहता तो तुम राजी नहीं होती, तुम अनामिका को दूर भेज देती, इसी वजह से मैंने अनामिका से शादी कर ली और अपना एक परिवार शुरू कर लिया। उसकी बातें सुनके वो समझ जाते हैं कि अब वहाँ रहकर कोई फायदा नहीं, उन्होंने जो परिकल्पना की थी अब वो काम नहीं करेगा,
ये सोचकर राजेश और सुशीला वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर में शारदा, प्रसाद और रमेश काफी देर तक इस बारे में चर्चा करते हैं। आखिरकार बहुत ही गुस्से में शारदा अनामिका को घर ले आने के लिए कहती है। रमेश जाके अनामिका को घर ले आता है। अनामिका आज्ञाकारी के तरह आके सासू माँ के पैर छूती है। इस घर की बहू अच्छे से आज्ञाकारी के तरह रहो और खुशी खुशी बच्चों साथ जीवन बिताओ। इस तरह बेटे के सामने बहू को आशीर्वाद किया। फिर एक दिन शारदा फोन लगा के अमृता से बात करती है। ठीक है अमृता, मैं उसे बहुत परेशान करूंगी और लात मार के निकाल दूंगी, फिर तुम मेरे घर की बहू बन के आना। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। तब से जब तक रमेश और प्रसाद आसपास रहते थे, तब तक वो अनामिका से बड़े प्यार से बात करती थी, और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते थे वो अनामिका को डांटने लगती थी। साथ ही शारदा ने अनामिका को धमकी भी दिया, अगर ये बात बेटे तक पहुंची तो उसका जीना और मुश्किल कर देगी। उसके बाद भी अनामिका से कोई गलती ना होने के बावजूद शारदा उसे बात बात पे कठिन दंड देने लगी। एक दिन तो उसने अनामिका का चूल्हे में ही हाथ जला दिया। रात में जब रमेश घर लौट आया, अनामिका का जला हुआ हाथ देखकर वो बहुत परेशान हो गया। ये देखे बिना ही कि शारदा सामने है, वो अपने हाथों से अनामिका को खाना खिला देता है। ये देखकर प्रसाद बहुत खुश हुए, पर शारदा ये देखकर आग बगुला हो गई। फिर एक दिन अनामिका को सोफे पे बैठा के वो उसे बिजली का शॉक दे देती है। अनामिका पूरी तरह से काली पड़ गई, उसके दोनों हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। जैसे ही रमेश को अनामिका के शॉक के बारे में पता चला, जल्दी से उसे बिस्तर पे लटा के मसाज ऑयल लेकर उसके पैरों तले मसाज करने लगा। दो दिनों बाद अनामिका फिर से साधारण हो उठी। इसी तरह उनके दिन निकल रहे थे। अनामिका हरीश नाम के एक पुत्र संतान को जन्म देती है। इसी के साथ रमेश को पिता, साथ ही शारदा को दादी और प्रसाद को दादा बनने का मौका देती है। रमेश और प्रसाद बहुत खुश थे, पर शारदा बहुत गुस्से में थी और सोच रही थी अब इसे कैसे सबक सिखाया जाए। उसे एक तरकीब भी सूझती है। एक दिन जब रमेश और प्रसाद कुछ काम के सिलसिले से बाहर गए, शारदा अपना खेल शुरू कर दी। वो अपने रोते हुए पोते को दूर ले गई, अनामिका को दीवार से लगा के उसके दोनों हाथों में काटी गाड़ दिया। अनामिका के पैर जमीन पे थे, उस पे पत्थर से वार करने लगी। दर्द के मारे अनामिका रोने लगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों सजा दे रही हूँ? पता है सासू माँ, आप चाहती हैं अमृता को अपनी बहू बना के लाना, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। मैं मर गई तो बेटी की दूसरी शादी करवा के अमृता को ले आएंगे। इतना जानने के बाद भी क्यों हो फिर मुझे इतना शैतान बना रही हो? अपना रास्ता देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ दूंगी। शारदा ने क्या कुछ नहीं किया, पर अनामिका ने भी जिद पकड़ रखा था कि वो अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। शारदा को भी गुस्सा आया, उसने अनामिका के हाथों में और कीले ठोकी। तभी अचानक से हथौड़ा फिसल के शारदा के पैरों पे गिर गया। बस फिर क्या, शारदा का पैर टूट गया। वो रोते रोते परेशान होके आके सोफे पे बैठ गई। तभी प्रसाद और रमेश जो बाहर गए थे वो लौट आए। प्रसाद जाके रोता हुआ बच्चा को गोद उठाते हैं। रमेश जाके अनामिका के हाथों से कील निकालता है। बाप बेटा अनामिका को साथ लेकर गुस्से से शारदा को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शारदा दुखी मन लेकर अमृता को फोन लगाती है। सॉरी आंटी, मैं नहीं जा सकती, पिताजी ने आपके यहाँ जाने के लिए मना किया है। शारदा अमृता की बातें सुनके बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाके बिस्तर पे सो जाती है। शारदा के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अनामिका शारदा को मदद करना चाह रही थी, पर प्रसाद और रमेश ने उसे मदद करने से मना किया। दर्द से शारदा को बुखार आ जाता है। वो अमृता को बार बार फोन लगाती है, पर वो आती नहीं। शारदा रोने लगी। उसे देखकर प्रसाद उसके पास आते हैं। उनका हाथ पकड़ के शारदा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं समझ गई हूँ कि अपने लोग कौन है और पराए कौन है। अब मैं ये मुँह लेकर अनामिका से कैसे माफ़ी मांगू, आप ही बताइए। उसी मुँह से जिस मुँह से तुम गाली दिया करती थी। बहू, अनामिका कहाँ? बेटा इधर आना जरा। शारदा बड़े प्यार से अनामिका को बुलाती है। अनामिका वहाँ आती है। अनामिका के दोनों हाथों को पकड़ के शारदा, माफ कर देना बहू, आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। शारदा की ऐसी बातें सुनके प्रसाद, रमेश, अनामिका तीनों समझ जाते हैं कि शारदा अब बदल चुकी है। तब से अनामिका शारदा का ख्याल रखने लगती है, उनके काम में मदद करती है। शारदा भी अपने पोते को गोद में लेकर बहुत प्यार करती है और अनामिका की जिंदगी खुशहाल हो जाती है।